प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो को एक बार सभी साथी जरूर देखे। देखो साथियों आज जो एक न्यूज आई थी कि मात्र 29,000 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखो साथियों इस न्यूज को देखकर ये तो कन्फर्म हो चुका है कि या तो इंटर्नशिप योजना को बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रदेश के युवा हैं वो इस कदर इस इंटर्नशिप योजना से अपना मुँह मोड़ रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि राजस्थान के इतिहास में से कहीं ये बेरोजगारी भत्ता योजना है कहीं ना कहीं विलुप्त ना हो जाए। देखो सरकार ने भाई इतना बड़ा झांसा दिया बेरोजगारों कि हम बेरोजगारों को घर बैठे 3,350 रुपए देंगे, यानी सभी को, और दिया कितना जा रहा है मात्र 29,000 लोगों को ही। आप यहां पर देख सकते हो गुलाब चंद कटारिया साहब ने भी बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि जब सरकार भाई सभी को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करती है तो नाम मात्र बेरोजगारों को ही भत्ता क्यों दिया जाता है। देखो साथियों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी भत्ते के चक्कर में मेरे दोस्तों आप ना बैठे रहें, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना है कहीं ना कहीं आपके लाइफ को बर्बाद कर दे। ठीक है, देखो सरकारें आएंगी दोस्तों है ना, और आपसे बड़ा बड़ा वादा करेंगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि आपने जो वादा किया है उस वादे को आप ना भूलें, नहीं तो ये प्रदेश का युवा है, ये नौजवान युवा है, इसकी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त है कि आज से 20 साल की बात ये बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए आने वाले चुनावों में आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि हमारी इतना बड़ा नुकसान राज्य का कारण क्या बना है। जब आप एक बार पीछे मुड़कर देखोगे अपने इतिहास को तो आपको ये ज़रूर बेरोजगारी भत्ता योजना ज़रूर याद आएगी कि हाँ हमने 3,350 का वो सपना दिया था लेकिन उस सपने को हमने उस समय चकनाचूर कर दिया जब इसमें इंटर्नशिप योजना को लागू कर दिया और मात्र आपने सभी बेरोजगारों को वही इतना भत्ता देने के लिए कहा लेकिन मात्र आप एक ही साल में आप 2,00,000 बेरोजगारों को दे रहे हैं। आप ऐसा करते हैं कि प्रदेश के युवाओं को भले ही ना आप राशि कम दे दे लेकिन आपको ये ज़रूर कहना चाहिए था कि प्रदेश का जो भी युवा है जिसकी उम्र 30 या 35 साल के बीच में है आप सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा ना हो भाई। एक बात बताओ, हर साल लाखों युवा जो ग्रेजुएशन करके जाते हैं, मान लो आप 2,00,000 को भी कहाँ दे रहे हो, 29,000 को ही बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो और बाकी युवा साथी क्या करेंगे। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना ही होगा, नहीं तो ध्यान रखना आने वाला समय इन बेरोजगारों का ही समय होगा और ये इंटर्नशिप योजना को भी आपको बंद करना ही पड़ेगा।